हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पायल जाकर। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, थर्ड पार्ट क्या है हमारा। द सम ऑफ द टू डिजिट नंबर इज 9। जो टू डिजिट नंबर वो 9 है। आल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस। जो 9 टाइम है, ट्वाइस नंबर मींस 2 टाइम। ओके, आपको फाइंड क्या करना है, इसमें नंबर फाइंड करना है वो वाला। तो कैसे फाइंड करेंगे, जो हमारा टेंस है उसको हम एक्स ले लेंगे और वंस है उसको हम y ले लेंगे। n और 1 2 नंबर होंगे तो ऐसे ले लेंगे हम इसको। अब x एंड y को ऐड करके 9 होगा। फर्स्ट इक्वेशन तो ये बन गई और हमें एक नंबर लेना है जिसे कि हम उसको सॉल्व कर सके। तो हम नंबर लेंगे 10x प्लस में y, ये वाला नंबर लेंगे जिससे कि हम इस सम को सॉल्व कर सके। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब हम सेकंड इक्वेशन निकालेंगे। सेकंड इक्वेशन कैसे निकालेंगे, 9 10x प्लस में y, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे y, और ट्वाइस है उसके तो ट्वाइस से कर देंगे, लेकिन y इधर में y हो जाएगा और इधर में x हो जाएगा। ओके, सो देखिए कैसे करेंगे। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 19x और 9y, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20y 2x। ओके, अब इस वाले टर्म को हम इसी में ले लेंगे और इक्वल टू में कर देंगे हम 0। कैसे देखिए, 19x प्लस में 9y माइनस 20y माइनस 2x इक्वल टू में 0। ओके, अब x वाले टर्म को एक साइड कर देंगे और y वाले टर्म को एक साइड। तो हम यहीं पे सबट्रैक्ट या माइनस प्लस जो भी करना है यहीं पे कर लेंगे। तो 19 यहाँ पे माइनस कर, 19 में से 2 गया तो क्या बचा, 88x प्लस में यहाँ पे देखिए 9 और 20 क्या बचेगा, 11y। तो हम क्या करेंगे, 11 ब्रैकेट में 8x प्लस में y, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आएगा और इक्वल टू में 0। ओके, तो बस सिर्फ हम बीच वाले टर्म ले लेंगे, 8x प्लस में 4 इक्वल टू 0, ये बन जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। ओके, और अब हम इन इक्वेशन को ऐड कर देंगे। देखिए कैसे ऐड करेंगे, तो उससे हमारी कौन सी टर्म निकलेगी, y है इसकी, तो हम नॉट कर देंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी x प्लस में y इक्वल टू 9, सेकेंड इक्वेशन है 8x प्लस में y इक्वल टू 0। तो y से तो y कैंसिल हो गया और यहाँ पे 1 है तो इसको ऐड करेंगे, 9x हो जाएगा इक्वल टू में 9, 9 हो गया। तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 9 अपॉन में 9, 9 हो गया। अब देखिए इसको कट करेंगे तो क्या आएगा, 1, तो x की टर्म आ गई 1। और अब y की टर्म निकालेंगे, y की टर्म कैसे, फर्स्ट टर्म में हम x की टर्म डाल देंगे इक्वल टू 9, तो ये डाल दी प्लस में y इक्वल टू में 9। सो y इक्वल टू में 9 माइनस 1, तो y की वैल्यू आ गई 8 और x की 1। अब हम वो नंबर फाइंड करेंगे उस नंबर में ऐड करके, 10x प्लस y नंबर में ऐड करके। कैसे देखिए, ये नंबर लिया था हमने, तो इसमें 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, प्लस करेंगे 8 से, 10 प्लस में 8 18। आगे समझते कि यहाँ पे 1 इसमें मल्टीप्लाई का निशान आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हुआ है, और यहाँ पे प्लस का है तो प्लस का आएगा, इनको ऐड मल्टीप्लाई करके 18। तो ये वही नंबर है जो हमको फाइंड करना था। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड पार्ट। थैंक्स।